हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, चेक बाउंस के केस में शिकायतकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी कि अगर शिकायतकर्ता की कंप्लेंट प्री मैच्योर होने की वजह से डिसमिस हो जाए और इसी ग्राउंड पर जो अक्यूज्ड है वो एक्विट हो जाए, तो उसको एक और मौका मिलेगा अपनी फ्रेश कंप्लेंट डालने का। क्या उसका प्रोसीजर होगा और क्या इसमें जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की और कर्नाटका हाई कोर्ट की, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्री मैच्योर कंप्लेंट क्या होती है और वो इस ग्राउंड पर क्यों डिसमिस हो जाती है, क्यों आरोपी का एक्विटल हो जाता है और कई साल केस लड़ने के बाद भी जो शिकायत करता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि जो कंप्लेंट फाइल की गई थी सेक्शन 138 की, वो बाद में प्री मैच्योर साबित हुई, यानी कि वो टाइम बार्ड साबित हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्री मैच्योर कंप्लेंट सेक्शन 138 की क्या होती है। मान लीजिए चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने के बाद बैंक के एंडोर्समेंट आने के बाद एक महीने का वक्त होता है कंप्लेनेंट के पास कि वो जो अक्यूज्ड है उसको डिमांड नोटिस भेजे, जो मैंडेटरी है भेजना। और डिमांड नोटिस भेजने के बाद जब अक्यूज्ड को रिसीव हो जाता है, यानी कि या वो वापस आ जाता है, रिसीव नहीं करता अक्यूज्ड, दोनों ही स्थिति में तब कॉज ऑफ एक्शन उसी दिन से शुरू हो जाएगा जब या तो वो रिसीव कर लेता है और या वो वापस कर देता है। तो दोनों स्थिति में कॉज ऑफ एक्शन उसी डेट को शुरू होगा और उसके बाद उस डेट से लेके 15 दिन तक का जो पीरियड है, 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो मैंडेटरी है, वो एक्सपायर होने के बाद ही कंप्लेंट फाइल की जाती है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए आज जो डिमांड नोटिस है वो अनडिलीवर्ड वापस आ गया और या जो अक्यूज्ड है उसने देने से मना कर दिया और तब जो है कंप्लेनेंट आप केस फाइल कर देता है, कंप्लेंट फाइल कर देता है। और कई बार वो दिन जब गिनते हैं बाद में एविडेंस के वक्त, वो कई बार 13 दिन होते हैं या 14 दिन होते हैं या जो है 10 दिन होते हैं, यानी कि 15 दिन का मैंडेटरी पीरियड उसमें पूरा नहीं होता। तो ये जो है एक प्री मैच्योर कंप्लेंट होगी और ये इसी ग्राउंड पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसमिस कर दी जाती है, क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उस डेट से शुरू होता है जब जो लीगल नोटिस है या डिमांड नोटिस है वो या तो रिसीव कर लिया जाता है और या जो है वो वापस भेज दिया जाता है। और कॉज ऑफ एक्शन उस दिन से शुरू होकर 15 दिन तक वो उसमें रहता है ऑपरेशन में, और 15 दिन के बाद जो कंप्लेनेंट है वो कभी भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर देता है। और अगर जो कंप्लेंट 15 दिन से पहले फाइल कर दी और मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया 15 दिन से पहले, 14वें दिन या 13वें दिन, तो तब जो है ये एक प्री मैच्योर कंप्लेंट मानी जाएगी और ये इस ग्राउंड पर डिसमिस हो जाएगी और जो अक्यूज्ड है वो इसमें एक्विट हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसका जो रेमेडी क्या है कि मान लीजिए केस डिसमिस हो गया, अक्यूज्ड जो है बरी हो गया मामले में, तब जो है आप हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांग सकते हैं कि क्योंकि जो है
आप जो कंप्लेंट थी वो प्री मैच्योर ग्राउंड पर डिसमिस कर दी गई है, इसलिए मुझे दोबारा से कंप्लेंट फाइल करने की परमिशन दी जाए। दोस्तों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, ताज़ा जजमेंट है। केस का टाइटल है गजानंद बुरागे वर्सेस लक्ष्मी चंद गोयल। ये इसका क्रिमिनल अपील नंबर 1229 है, 2022 है की है ये। इसमें भी बिल्कुल यही केस था कि प्री मैच्योर कंप्लेंट के ग्राउंड पर जो आरोपी था वो छूट गया था, तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेनेंट था केस में उसको लिबर्टी दी कि आप दोबारा से ये क्रिमिनल जो कंप्लेंट है सेक्शन 138 की, वो आप उसमें आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दोबारा से फाइल कर सकते हैं और वहाँ पर पूरे आपको ग्राउंड देने हैं कि जो पहले प्री मैच्योर जो कंप्लेंट फाइल की गई थी, उसके बाद आरोपी का क्विटल हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेने के बाद तब ये जो कंप्लेंट है ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल की जा रही है और तब जो है सेक्शन 142 का बेनिफिट कंप्लेनेंट को मिलेगा, यानी कि जो डिले हुआ है आप पूरे के पूरे केस में, तो वहाँ पर वो डिले कंडोन हो जाएगा। वहाँ पर आप कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुरूप ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन देता है कि जो केस है क्योंकि पुराना है, पहले फाइल हो चुका है, अब दोबारा फाइल किया जा रहा है, इसलिए इसको जो है टॉप प्रायोरिटी में इसका डिस्पोजल किया जाए। और कई बार जो है जो हाई कोर्ट है वो वक्त भी तय कर देती है कि 6 महीने में इसको डिस्पोज ऑफ करके जो कंप्लेनेंट है उसको जो भी उसको बेनिफिट अगर मिलता है, कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट है अक्यूज्ड का कंप्लेनेंट के प्रति, तो उसके हिसाब से उसको बेनिफिट दिया जाए। तो माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट की भी अभी ताज़ा जजमेंट है इसी टॉपिक पर, और उन्होंने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो केस अभी मैंने बताया उसको कोट किया। आप ये कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट भी नोट कर सकते हैं, क्रिमिनल अपील नंबर है 1010/2014 की है। केस का टाइटल है श्री एम बी लक्ष्मी नारायणप्पा वर्सेस श्री हनुमंतप्पा, और इसमें भी जो है यही बिल्कुल चीज़ थी कि जो प्री मैच्योर कंप्लेंट थी उसके ग्राउंड पर जो आरोपी था वो उसका एक्विटल हो गया, तो इसमें जो माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया वो कहा कि जो अपील फाइल की गई है उसको अलाउ किया जाता है जो कंप्लेनेंट के द्वारा फाइल की गई है, और जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसको सेट असाइड किया जाता है और कंप्लेनेंट को ये लिबर्टी दी गई इसमें कि वो एक फ्रेश कंप्लेंट फाइल करे, क्योंकि जो पहली कंप्लेंट थी वो प्रेजेंट नहीं कर की जा सकी, जो लिमिटेशन पीरियड था सेक्शन 142 बी के तहत, इसलिए जो है एक दो नए सिरे से एक कंप्लेंट उसी कोज ऑफ एक्शन पे आप फाइल कर सकते हैं, और इसमें कोर्ट को भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इसमें डिले क्यों हुआ है। और इसके साथ डायरेक्शन इसमें दी गई है कि जो अगर जो कंप्लेंट है सेकंड कंप्लेंट वो 1 महीने के अंदर अंदर अगर फाइल कर दी जाती है कंप्लेनेंट के द्वारा, तो तब जो है ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी कि वो इसको एक टॉप प्रायोरिटी के तौर पर डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि ये पुरानी कंप्लेंट है और जितनी जल्दी हो सके इसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि अगर प्री मैच्योर ग्राउंड पर आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है तो आपको एक सेकंड चांस मिलेगा, लेकिन आपको वहां से उसके लिए हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट है कि अगर प्री मैच्योर ग्राउंड पर
कंप्लेंट डिसमिस हो जाती है, तो तब जो है जो सेकंड पिटीशन है, सेकंड कंप्लेंट है, उसको फाइल करने की इजाज़त कंप्लेनेंट को दी जाती है। और ऐसे में जो कंप्लेनेंट है वो अपने नुकसान से बच सकता है और वो अपनी रेमेडी दोबारा ट्रायल कोर्ट से ले सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।